नमस्कार। स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी बोले, आशा के प्रतीक हैं फिजियोथेरेपिस्ट, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ही है लक्ष्य। शनिवार सुबह जम्मू जिले के बठिंडी के मलिक बाजार इलाके में फिर शुरू हुआ अतिक्रमण अभियान। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, नक्सलवाद पर लगाम लगाने में सफल रहा भाजपा। विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 112वें से 55वें स्थान पर पहुंचा, आंकड़ों में हुआ महत्वपूर्ण सुधार। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुक्रवार को हुआ शुभारंभ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद रहे। 14 फरवरी तक होने वाली आयोजन में देश भर के लगभग 1500 एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में 120 कनाल में लिथियम का 59 लाख टन भंडार मिला, अचानक चर्चा में आ गया सलाल कोटली गांव। कश्मीर घाटी में हिमपात, जम्मू श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन भी रहा बंद, आज भी कुछ हिस्सों में बारिश बर्फबारी के आसार। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक फेरबदल, 7 आईएएस समेत 15 के तबादले, विजय कुमार बने कश्मीर के मंडलायुक्त। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।